हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपना वजन देखते हैं। वजन हमारा 69 ही है, मुझे पता है, थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है। आजकल यहीं पे आके रुका है, कम तो नहीं हो रहा है और ना मैं बहुत ज़्यादा कम होने देना चाहती हूँ अब अपना वजन। बस ये है कि बढ़े ना, अगर 69-70 रहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। सबसे पहले सुबह उठ करके, आज वैसे हमारे यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, थोड़ी सी किचकिच है, लेकिन मैंने कहा चलो एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वार्म अप से शुरुआत करते हैं। छतरी के नीचे मैंने अपना कैमरा फ़ोन लगा दिया है और मतलब वैसे बहुत तेज़ वाली नहीं हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे झिमझिम 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 लगातार बारिश हो रही है। सबसे पहले वार्म अप किया है, अपने नेक का वार्म अप, हैंड का वार्म अप और अपने लेग का वार्म अप, स्टमक का वार्म अप करने के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज ज़रूरी क्यों होता है हमारे लिए? एक्सरसाइज और वॉक दोनों चीज़, अभी डॉक्टर के पास जाओ, इंसान को कोई भी बीमारी हो जाए, यहाँ तक कि कोई भी शरीर से रिलेटेड बीमारी हो जाए, हाथ दर्द, पैर दर्द, नेक दर्द, कोई भी दर्द हो ना, तो सबसे पहले उसमें डॉक्टर आपको एक्सरसाइज ज़रूर रिकमेंडेड करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। तो मुझे ऐसा लगता है एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे शरीर के जो सारे पार्ट होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं शरीर में। मुझे मेरे हिसाब से यही लगता है कि इसी की वजह से डॉक्टर लोग हमेशा हमें सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और वॉक करने के लिए। ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके हैंड बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। जैसे हमारा हाथ ना, आधा तो ठीक था, जैसे जो जहाँ पे यहाँ पे हाथ मुड़ते हैं वहाँ से ऊपर वाले में ना, मेरा हाथ इतना ज़्यादा मोटा था, इतने ज़्यादा फैट थे हाथ में कि क्या ही बताएं। लेकिन अब मुझे लगता है मेरा हाथ ठीक हो गया है, मतलब जो जहाँ पे फैट था वो फैट कम हो चुका। दाहिने और बाएं हाथ में थोड़ा अंतर रहता है और जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ आपके डबल बेनिफिट करेंगे। एक तो आपके हैंड भी मतलब टोन अप हो जाएंगे और आपका ब्रेस्ट भी टोन अप हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या होती है जिनके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, उनके लिए हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है भाई किसी के सामने जाने में आने में। हमारा शरीर का कोई भी भाग मोटा पतला हो जाता है तो हमें बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है भाई। तो क्या करते हैं हम, उसको सही करने के लिए अपना एक्सरसाइज करने लगते हैं और क्या कहते हैं डाइट करने लग जाते हैं ताकि हम पतले हो जाएं। बहुत जब मैं मोटी थी ना, मुझे खुद को ऐसे हर शरीर के हर अंग को ना ऐसे कभी दुपट्टे से कभी साड़ी के पल्लू से छुपाना पड़ता था। मतलब ऐसे होता था ना कि कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट जो होता था ना बेढंग, मतलब कहते हैं ना एक ढंग के तरीके से होता है और एक होता है बेढंग, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ फैट, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ फैट कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब खुद को देख के ही मतलब ऐसे ही होती थी कि मतलब कैसे मैं सबके सामने जाऊँ। एक होता है ना कि आपके जब आपका वज़न कम हो जाता है, जब आप सुंदर लगते हो तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, बोलने में, किसी के सामने जाने में हिचकिचाते नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शरीर का कोई भी जो पार्ट होता है, शरीर का कोई भी अंग जो होता है ना, वो कहीं से भी मतलब सही नहीं लगता देखने में, तो हमें बहुत झिझक होती है, शर्म आती है। हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बहुत ढीले ढाले होते हैं, टाइट फिटिंग के कपड़े और टी शर्ट वगैरह ये सब नहीं पहन पाते। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ तीस साढ़े तीस केजी वज़न कम करने के बाद आज मैं टी शर्ट पहनी हूँ, वरना मैं पहले कभी टी शर्ट पहनती ही नहीं थी, मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये वाला जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, अपने पैर को आगे और पीछे करना है काफ़ी ज़्यादा, इससे आपके पैर के जो फैट होंगे वो तो कम हो ही जाएंगे, प्लस आपके बेली फैट जो होंगे, क्योंकि जब हम पैर को पीछे और आगे ले आते हैं ना, इससे हमारे पेट का जो बेली फैट होता है ना वो भी कम हो जाता है। कम से कम आपको सारी की सारी एक्सरसाइज 20-20 की 2 सेट आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम कितनी बार एक्सरसाइज करें, 20 कर सकते हैं कि नहीं। मुझे पता होता है टाइम की भी कमी होती है, हमारे पास एक्सरसाइज और वॉक ही नहीं होता, घर के सारे काम होते हैं, हम हर हाउसवाइफ को जैसे मुझे होते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा करें, लेकिन आप 20-20 करेंगे तो भी आपका धीरे धीरे करके फैट कम हो जाएगा। लेकिन आज आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तब तक जब तक आपका वज़न कम नहीं हो जाता। जैसे मेरा वज़न इन 1.5 सालों में जो है ना, 1.5 से लगभग 2 साल हो चुके हैं जो मैं एक्सरसाइज करती थी, डाइट करती थी, लगातार कंटिन्यू करती थी। ये वाली एक्सरसाइज मुझसे बन नहीं रही थी, मैं कोशिश कर रही थी। जब हम कोई नई एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमसे बनता नहीं, 1-2 दिन तक तो उसको ऐसे क्या कहते हैं उसको करने की आदत डालनी होती। एक्सरसाइज हम इसीलिए बदलते हैं
क्योंकि जो हम एक्सरसाइज करते हैं हमें उसकी आदत हो जाती है, और जैसे ही हम नई एक्सरसाइज कोई शामिल करते हैं ना तो वो बनता ही नहीं है। मतलब 2-3 दिन तो उसको करने की आदत बनानी होती है। एक्सरसाइज करना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। ये जो मैंने आज प्लाजो पहना है ना, इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है, इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है ना कि इसको खिसकाते ही बन रहा है। इसलिए मैं एक्सरसाइज करते समय चाहती हूँ कि कोई ऐसे टाइट फिटिंग के कपड़े पहने ताकि हमें कपड़ों पे ध्यान ना देके अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़े। और बहुत मुझे हंसी आ रही है, जब भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मैं हंसी आ रही है कि मतलब कितना ज़्यादा ऐसे इलास्टिक लगी हुई है ना। ये डबल एक्सल का लिया था। अब बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि अभी तक हमारे पास हैं, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल तो शायद नहीं है, लेकिन डबल एक्सल, एक्सल ये सारे कपड़े हैं। अभी जो मुझे फिट कपड़े आते हैं वो लार्ज फिट आते हैं कपड़े। ये टी शर्ट तो मैंने अभी नया लिया है, ये मैं भी पहनती हूँ, बिटिया भी पहनती है। और तो इतना ज़्यादा ये प्लाजो ढीला था ना कि खिसक 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 ही जा रहा था। आज का एक्सरसाइज यही पेंट करते हैं सूर्य नमस्कार के, और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के साथ आते हैं। तो अब हम दवा लेंगे। सुबह मैं दवा नहीं खाई थी क्योंकि मैं एक्सरसाइज जब करती हूँ बिल्कुल खाली पेट करती हूँ। खाली पेट एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अच्छी होती है। जैसे हम पेट की एक्सरसाइज करते हैं और बेली फैट की एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जब हमारा पेट खाली होता है तो हमारा शरीर जो होता है ना, जब खाली होता है तो एक्सरसाइज करते मतलब बहुत अच्छे से बनता है। जब पेट भरा भरा होता है तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे भारीपन महसूस करते हैं, लेकिन जब हम वहीं पे हमारा पेट खाली रहता है तो हमें बहुत हल्का लगता है, एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है। सबसे पहले किचन में आ करके क्या ही करते हैं, जैसे मैंने बोला उठ जाओ सब लोग, तो सबसे पहले पद्देव जी की आवाज़ आई चाय बना दो। तो हमने कहा ठीक है चलो चाय भी रख देते हैं, थोड़ा सा हम भी पियेंगे। और हमारे यहाँ चाय जो बनती है ना सिर्फ उसमें चीनी की नाम मात्र की मात्रता होती है। ये होता है कि हाँ चीनी पड़ी है, 2-2 दाने चीनी पड़ती है हमारे यहाँ, बिल्कुल ऐसे पद्देव जी को शुगर है। तो ऐसे ही होता है ना कि चीनी पड़ी भी ना हो ना भी हो तो ये चाय हमारे लिए काफ़ी अच्छा होती है। जैसे हम डाइट करते हैं और अपना वज़न कम करते हैं तो हमें तुरंत ये सलाह दी जाती है कि आपको चीनी और नमक दोनों कम कर देना चाहिए अपने खाने में। आप सेंधा नमक करें, तो बहुत दिन तक मैंने सेंधा नमक खाया। कुछ लोग कहते हैं सेंधा नमक खाने से जो है अगर हम टाटा नमक नहीं खाएंगे तो ये गले में जो गले घोटू वाली बीमारी होती है वो हो जाएगी। तो भैया हर चीज़ का डर लगा रहता है, समझ में नहीं आता क्या ही करें क्या ना करें। और तो मैं क्या करती हूँ ना, कुछ दिन तक मैंने सेंधा नमक खाया, अब कुछ दिन तक मैं टाटा नमक खाती हूँ। कुछ इस तरीके से करके कुछ महीने टाटा नमक, कुछ नमक सेंधा नमक। तो मैंने पूछा अपने कॉलोनी में, सब लोग बताती हैं टाटा नमक सेंधा नमक दोनों मिक्स कर दो। मैंने कहा मिक्स करने की क्या ज़रूरत है, एक महीने हम टाटा खा लेते हैं, एक महीने सेंधा नमक खा लेते हैं, तो बस चाय पियेंगे और उसके बाद अपने घर की साफ़ सफाई में जुट जाएंगे। आज तो मैं पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, चादर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। मैंने कहा चलो बदल देते हैं, धुलने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बारिश भयंकर हो रही है और चादर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने कहा बदलें, और क्या होता है चादर पर ना, सब लोग खाना खाते हैं, कितना भी मना करो ना, बच्चे तो बच्चे हैं, हम तो वहीं किचन में ही खा लेते हैं, इसलिए सबसे अच्छा होता है अपना स्लैब पर खा लो। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है किचन में खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक है, जब घर नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारा रहने का खाने का सोने का सब कुछ किचन में ही है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं। जब अपना खुद का घर होगा तो हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा लगता है मुझे भी ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, लेकिन अब ये होता है ना ज़मीन में भी जगह होनी चाहिए अपने बैठने की। अब कहीं भी ज़मीन में जगह तो दिख नहीं रही, बड़ी ही समस्या होती है हमारे पास। लेकिन क्या होता है ना, हम जैसे हैं वैसे हम मतलब इतना रोना नहीं रोते कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, कैसे जिए कैसे रहें कैसे खाएं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब रोना क्या ही, जो है जैसे उसी में एडजस्ट करो। और लोग तो अच्छा भी कहेंगे, लोग बुरा भी कहेंगे, लोगों की बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से करो। तो यहाँ पे मैंने चादर बदल लेने के बाद यहाँ पे भी दूसरे वाले बेड पे मैंने कहा इसको भी चादर बदल लेते हैं। और हमें हमेशा ना गर्मी के मौसम में थोड़ी सी हल्की कलर की चादर अच्छी लगती है, ठंड के मौसम में थोड़ी सी डार्क, मतलब ठंड नहीं, अभी बारिश हो रही तो ठंड है लेकिन अभी ठंड आने में थोड़ा सा टाइम है। तो बस घर की साफ़ सफाई हो गई है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और भगवान एकदम से उपद्रव किए हुए हैं। उपद्रव मतलब लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ हो रही है कि नहीं आप लोग कमेंट में बताइएगा। लगातार 2 दिन से बारिश और उतनी ही तेज हवा और उतनी ही तेज पानी, रह रह के धीमा हो जा रहा है, उसके बाद फिर तेज हो जा रहा है और हवा खूब भयंकर चल रही है। पेड़ भी गिर चुके हैं रास्ते में कई सारे, सब लोग बता रहे हैं। मैं तो गई नहीं भाई, बारिश हो रही है तो कैसे जाया जाए टहलने। और
सुबह का टाइम है, सबसे बड़ी समस्या जो है खाने पीने वाली हो जाएगी अगर इसी तरीके से लगातार बारिश होती रहेगी। घर में भी कुछ नहीं है साग सब्जी, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मार्केट में भी नई सब्जियां नहीं आएंगी। जब इस तरीके से मौसम है, आंधी तूफान तेज बारिश हो रही है, तो सब्जियां कैसे आएंगी? और जो सब्जियां आएंगी भी वो इतनी ज्यादा महंगी करके सब लोग बेचेंगे बारिश में, क्योंकि बाहर से सब्जियां आएंगी नहीं, जो जिनके पास सब्जियां है उसका दोगुना दाम करके बेचेंगे। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम है, बारिश होने से, तूफान होने से और कुछ भी होने से भूख तो मानेगी नहीं और खाना पीना किसी का छूटेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। तो आज फ्रिज में सिर्फ शिमला मिर्च बचा है, कद्दू बचा है और मिर्ची टमाटर थोड़ा बहुत आलू प्याज थोड़ा बहुत है, पर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बचा है। हम सोच रहे थे ना कि सब्जियां हमारे घर में एकदम से फिनिश हो जाती हैं तभी आती हैं, क्योंकि इतनी इकट्ठी सब्जियां आ जाती है ना तो उसको खत्म होने में भी टाइम लग जाता है। मंडी से सब्जी आती है इकट्ठे, तो मतलब किलो किलो ढाई ढाई किलो आ जाती है, तो ज्यादा ठीक रहता है। और शिमला मिर्च की सब्जी जो कि मेरे घर में सबका फेवरेट है, लेकिन आज मेरा दो दिन से तीन दिन से पता नहीं क्यों अजीब सा मन हो रहा है, ना सब्जी खाने का मन हो रहा है ना दाल खाने का मन हो रहा है, मुझे भूख सी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों अजीब से हो रहा है ज्यादा, एकदम जैसे ऐसा हो गया ना अजीब सा हो गया, एकदम कहीं पे फैट दिखाई नहीं दे रहा, जबकि मैं आजकल बहुत ज्यादा फेस योगा या फिर बहुत ज्यादा डाइटिंग भी नहीं कर रही हूँ, जो घर में बन रहा है सबके लिए खा पी रही हूँ। बाहर झमाझम बारिश हो रही है, दोपहर का लंच बना देते हैं, लोगों को खिला देते हैं, फिर अपने लिए सोचते हैं, सब लोग खा लेंगे सबका पेट भर जाएगा, तो फिर अपने लिए देखते हैं सोचते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल ही आएगा। और मुझे तो बड़ी समस्या ये दिख रही है बारिश वाला, बारिश बंद नहीं होगी तो मार्केट कैसे जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ड्यूटी वालों के लिए है, जिनको ड्यूटी जाना है भीग के जाएं चाहे जैसे जाएं उनको ड्यूटी पहुंचना है। दूसरी बात, मार्केट जाना हो कुछ लाना हो तो ये भी समस्या वाली बात है। और आप लोगों से बात करने के बाद मैंने सोचा चलो भाई अपना खाना पीना बनाना शुरू कर देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी बनेगी, सलाद भी नहीं है, खीरा खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था, जब तक था तो मैंने रायता बना दिया क्योंकि अजीब सा आ रहा था भाई, बड़ी समस्या है जब तक ये ठंड वाला मौसम नहीं आ जाता ना। लेकिन क्या है ना कि जीवन है, जीना ही तो पड़ेगा, जैसा मैंने पहले आप लोगों से बातें करके बताया जो कुछ मिल रहा है खाएं पिए, तो खीरा भी नहीं है और मूली वूली आई नहीं, वैसे मूली वूली अब मिलने लगी है लेकिन अभी मंडी जाएंगे सब्जी खत्म हो चुकी, तो इस बार जाएंगे तो शायद मूली वूली लेके आए, जो भी सब्जियां मिलेगी लेके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है जीरा कसूरी मेथी डाल करके, प्याज लहसुन हरी मिर्ची। आज मैंने लहसुन को ऐसे खड़े खड़े डाल दिया, मैंने कहा पकने के बाद इनको मैश कर देते हैं, क्या ही कट करें, ये जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो खूब अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो खूब अच्छे से प्याज मिर्ची और लहसुन को अच्छे से भूनना है, हल्का सा भून देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहना, हल्का सा पिंक तक इसे पकाना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है शिमला मिर्च की सब्जी। शिमला मिर्च की सब्जी आप लोग मेरे हर वीडियो में देखते होंगे। अच्छा, आजकल करेला नहीं बन रहा है ना, करेला आया नहीं दो तीन बार से, पद्देव जी लाए नहीं करेला, नहीं तो करेला भी बहुत बनता था, करेला शिमला मिर्च, करेला हम और पद्देव जी खाते थे, शिमला मिर्च सब लोग खाते हैं। लेकिन आज दो दिन से मेरा मन अजीब सा हो रहा है ना, पता नहीं क्यों, सब्जी दाल ऐसे बनाते हैं तो खाने का मन नहीं होता, अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, बल मुझे कहने का मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है सब्जी दाल। और अभी क्या कहते हैं मौसम बदल रहा है, हो सकता है हल्का बुखार भी हो अंदर से, पता नहीं, मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है, तीखा नमकीन खाने का कुछ नहीं मन हो रहा है। सब्जी मसाला किचन किंग हल्दी पाउडर इसमें सब कुछ डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको ढक दिया है और ये बीच में एक बार चला देते हैं। ये देखिए लहसुन अच्छे से पक चुका है, इनको हम मैश कर देते हैं। धनिया की पत्ती आप इसे यहीं पे ऐड कर दें और एक टमाटर मैंने कट करके ऐड कर दिया था, चाहे तो आप बाद में भी धनिया की पत्ती ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसी टाइम पे ऐड कर दें। और ये देखिए हमारी शिमला मिर्च की बढ़िया टिम-टिम सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, एक बार आप बनाओ और इसे खाओ, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा होता है। और ये भगोना था ना, इसमें दूध लगा हुआ था थोड़ा सा, मैंने कहा इसमें पानी डाल करके आटा गूंथ लेते हैं, इससे क्या होगी हमारी रोटियां जो है बहुत मुलायम सॉफ्ट बनेगी। जब भी हम रोटियां बनाएं ना, आटे को थोड़ी देर पहले गूंथ करके इसको सेट होने के लिए 10 मिनट छोड़ दीजिए ढक करके, खूब सॉफ्ट मुलायम आटा हो जाएगा, रोटियां आपकी फुली फुली बनेंगी। तब तुरंत आटा गूंथ करके तुरंत रोटियां कभी ना बनाएं, कम से कम आप 10 मिनट इसे रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़ दें, उसके बाद आप रोटियां बनाएं।
तो बस फटाफट से हम अपनी रोटियां बनाते हैं और दाल भी बन चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है, दोनों को मैंने साइड में रख दिया है और फटाफट से रोटियां बनाते हैं। मैंने कहा रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद जो है चावल बनाते हैं, गर्मा गर्म सब लोग खाएंगे। थोड़े बहुत बर्तन जो थे मैंने उनको धुल लिया है, थोड़े बहुत बर्तन बाद में धुले जाएंगे, बर्तन का काम तो दिन भर होता ही रहता है। और रोटियों को अच्छा सा पतला पतला गोल गोल बेलें और खूब फुली फुली, जितनी पतली रोटियां आप बेलेंगे ना उतनी ही खाने में सॉफ्ट मुलायम रोटियां बनेंगी और उतनी ही फुली फुली रोटियां बनेंगी। जितनी मैंने रोटी बनाई सारी की सारी रोटी फुली फुली थी। उसके बाद यहाँ पे दाल को खाली करके मैंने कहा चलो इसी में हम चावल भी चढ़ा देते हैं। दाल बढ़िया खूब मैंने गाढ़ी गाढ़ी आज दाल बनाई है, क्योंकि इसको फ्राई करना है नहीं, जिसका मन करेगा इसमें घी डाल करके खा लेंगे और जिसका मन करेगा वैसे भी दाल चावल खाएंगे। तड़का वड़का डाल करके मैंने नहीं बनाया, सादी सिंपल दाल बनाई है, क्योंकि मसालेदार सब्जी बनी थी शिमला मिर्च की। तो दाल क्या होता है ना, ऐसे जब बनाती हूँ तो पी लेते हैं बच्चे, मन हुआ तो खाते हैं दाल चावल के साथ, नहीं मन हुआ तो ऐसे पी लेते हैं। सब्जी चावल हमारे यहाँ शिमला मिर्च की खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, यानी सब्जी से ही चावल। इसीलिए मैं कभी कभी शिमला मिर्च की सब्जी बनाती हूँ ना तो मैं दाल नहीं बनाती, क्योंकि हमारे यहाँ शिमला मिर्च की सब्जी के साथ बच्चे चावल भी खा लेते हैं, चावल भी चढ़ा दिया है। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े, बावरे बेफिक्रे सारे जिद पे है अड़े, बुन ले तू तकदीरिया सपनों की कहानी है आशा सी। और ये देखिए शाम के टाइम मैं गई थी छत पे और कितना ज़्यादा पानी पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल आज तो टहलना बंद ही रहेगा क्योंकि इतना ज़्यादा पानी बारिश हो रही है। सबसे पहले मैं दूध ला करके छान के इसको भगोने में चढ़ा देती हूँ, देखती हूँ डिनर में क्या ही बनेगा। जो आज दूध आया इसका पूरा का पूरा मैं दही लगा दूँगी, क्योंकि दही काफ़ी कई दिन से ख़त्म हो रखा था, बिना दही के मेरा काम नहीं चलता भाई। दही रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी लोग खा लेते हैं अगर रहता है तो, लेकिन मेरा तो फेवरेट ही बन चुका है दही, और वो भी खुद के हाथ से जमाई हुई। तो सबसे पहले दूध छान करके गैस पर चढ़ा दिया, तब तक मैं आलू की कटिंग वटिंग करूँगी। आज खाने में आलू की भुजिया और रोटी बनाऊंगी, थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्जी बची है जिसका मन करेगा ले लेंगे, लेकिन आलू की भुजिया इस टाइम बनाऊंगी। वैसे तो कद्दू रखा हुआ है लेकिन थोड़ी सी सब्जी जो दाल बची है ना, अगर मैं कद्दू बना दूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने शाम के टाइम आलू की भुजिया रोटी ये गौरे की थाली लग चुकी है और मैं खाऊंगी दूध रोटी शाम के टाइम। सुबह के टाइम मैंने थोड़ा सा दाल चावल थोड़ी सी सब्जी खाई थी, नहीं मन था फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खाया, और शाम के टाइम मैंने तीन रोटी ली है और एक रोटी ज़्यादा ही ली है मैंने। आज दो रोटी खाती हूँ लेकिन आज मैंने तीन रोटी ली है, थोड़ा सा दूध और गुड़ बढ़िया इसको दूध में भिगो दूँगी और उसके बाद अपना खाऊंगी। चबा चबा के खाओ आप, 32 बार 30 बार जो भी है चाव करके खाओ, धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ। और दूध रोटी दही रोटी मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है, चाहे तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लो या फिर थोड़ी सी चीनी डाल लो। और रात के लगभग लगभग सारे काम हो चुके हैं, सबका डिनर हो चुका है, सबका खाने पीना खाने के बाद ही मैं बैठती हूँ, और थोड़े से बर्तन रह गए थे मैंने कहा उनको बाद में धुल लेती हूँ। जो ये मैंने पूरा दूध रखा था इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा किया है और इसको पूरा का पूरा मैंने जग में डाल दिया है। जग में पहले से दही लगी रहती है तो दही बहुत अच्छे जमती है, जैसे पूरे जग में दही लगी रहती है ना तो बहुत अच्छे से जमती है। देखिए नेक्स्ट डे खूब अच्छे से दही जम चुकी है एकदम कड़क। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।